ये बात तो सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में बैंक नहीं होती थी, डॉट लोग अपने पैसे और जेवर जमीन के नीचे गाड़ कर रखते थे। लेकिन आज हम एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल कनाडा के एक शख्स ने सालों पहले अपने घर की जमीन के पीछे 42 बसें दफना दी थी। उसकी इस हरकत से आसपास लोग काफी हैरान थे, पर जब सच्चाई सामने आई तो लोग उसकी तारीफ करने लगे। बता दें, ब्रूस बीच नामक इस शख्स ने भविष्य में परमाणु हमलों की आशंका के चलते ये सुरंग बनाई। ब्रूस के मुताबिक कई देशों के बीच तनाव के हालात जल्द ही युद्ध की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। इसी वजह से 1980 से ही उन्होंने जमीन के नीचे छिपने और रहने के लिए एक बड़ी सुरंग का निर्माण करना शुरू कर दिया था। ब्रूस ने अपने बैकयार्ड में मिट्टी के नीचे 10,000 स्क्वायर फीट चौड़ी सुरंग बनाई है। 42 स्कूल बसों की मदद से बनी यह सुरंग न्यूक्लियर अटैक झेलने की ताकत रखते हैं। इसे बनाने में 83 वर्षीय को उनकी वाइफ जी ने भी सपोर्ट किया और इसका नाम रखा अर्क 2। ब्रूस ने 42 स्कूल बसों को 8.5 लाख रुपए $12,600 में खरीद कर घर के बैकयार्ड में दफनाना शुरू कर दिया था। सुरंग में रहने के लिए दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं। यहां एक समय में 350 लोग आराम से रह सकते हैं। साथ ही इतने लोगों का खाना भी यहां रखा जा सकता है।